दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की मानहानि या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। क्योंकि चैन से रहना है तो जाग जाओ और हो जाओ सावधान। लगातार देखते रहिए जागो हिंदुस्तान। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफरवादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक चौंकाने वाली स्टोरी बता रहा हूं, जिस स्टोरी को देखकर आपकी आंखें और कान खुल जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर लड़कियों का एक गिरोह काम कर रहा है जो आपको फंसाता है, जाल में फंसाता है, अश्लील चैटिंग करके, अश्लील वीडियो भेज करके, और फिर आप होते हैं ब्लैकमेल। आपका जीवन और परिवार हो सकता है बर्बाद। आपको कैसे बचना है? कौन कौन लोग हो चुके हैं इसके शिकार? बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के जाने माने एसएसपी जो तेज तर्रार मांगे जाते थे अपने विभाग में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिनकी कार्यशैली का लोहा मानते थे, विधायक और एमपी जब उनकी कार्यशैली की शिकायत करते थे तो एमपी और विधायक की शिकायत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उस एसएसपी की शिकायत हुआ करती थी, मानने को तैयार नहीं हुआ करते थे। दोस्तों एक ऐसे आईपीएस अफसर जिसके डर से, जिसकी धमक से कई जिलों के अपराधी, खूंखार, डकैत और सरगना, उनकी रूह कांप जाती थी। ऐसे आईपीएस की मिट्टी पलीद हो गई इस ग्रोह के चक्कर में फंसकर, अश्लील वीडियो, अश्लील चैटिंग में फंसकर कैरियर बर्बाद हो गया एक आईपीएस अफसर का। जो पुलिस अफसर उस आईपीएस अफसर को भगवान समझते थे, जब सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हुआ तो उस एसएसपी की मिट्टी पलीद हो गई, हाल खराब हो गया, नौकरी के लाले पड़ गए। दोस्तों ऐसा एक मामला नहीं है। गत दिनों एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी इसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। पिछले कई दिनों से कई चिरपरिचित मित्रों और दोस्तों ने बताया है कि यह गिरोह लड़कियों का गिरोह है जो सोशल मीडिया पर आपको ब्लैकमेल करने पर तुला है और आपको परेशान करने पर तुला है। आपको बचना कैसे है इससे? दोस्तों यदि कोई भी अनजान लड़की या जान पहचान वाली लड़की आपको सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो भेजती है, आपसे चैट करती है, तो आप सावधान हो जाएं। ये लड़कियां पहले से ही सुनियोजित प्लान बना लेती हैं और छदम नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाती हैं। छदम इनका नाम होता है और उस नाम के द्वारा आपको ये मैसेज भेजेंगी, अपना परिचय गलत देंगी और आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें बनाएंगी। और किसी भी लड़की से, सुंदर लड़की से बात करना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन यह एक हनी ट्रैप का जाल है जिसमें आप फंसने जा रहे हैं। जब आपसे ये संवाद करती हैं तो आपकी रुचि बढ़ती है और आधी रात से पहले ये लड़कियां आपको व्हाट्सएप कॉल करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं और कुछ ही देर में आप इनके जाल में फंस जाते हैं और ये लड़कियां निर्वस्त्र होने वाली वीडियो चला देती हैं आपकी स्क्रीन पर, या स्वयं निर्वस्त्र हो जाती हैं और फिर आपसे भी निर्वस्त्र होने के लिए कहती हैं। फिर क्या होता है, जब आप निर्वस्त्र होते हैं तो आपका ये पूरा फोटो, पूरा पोज मांगती हैं और उसको अपनी स्क्रीन में कैप्चर कर लेती हैं, वीडियो बनाती हैं और उसके फोटो शूट करती हैं। एक दो दिन बाद सिलसिला शुरू होता है आपको ब्लैकमेल करने का। जितनी अच्छी और बड़ी आपकी प्रोफाइल है, आपसे ब्लैकमेलिंग का रेट उतना ही बड़ा होगा। ये कभी आपको अपने आप को अफसर बताती हैं या कभी सोशल मीडिया का कोई अधिकारी बताती हैं और फिर आपको अच्छे खासे दामों से ब्लैकमेल करती हैं। ऐसे अनेक मामले उधर सामने आ रहे हैं। ये जो लड़कियां हैं ये इनको एक गिरोह संचालित कर रहा है जिसमें पढ़े लिखे नौजवान भी हैं जो आपको शिकार बना रहे हैं। झांसी के 3 युवक पिछले दिनों अलीगढ़ में पकड़े गए थे। जगह जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब कुछ लड़कियां इस गिरोह को संचालित कर रही हैं। आपको इनसे बचना कैसे है? यदि कोई भी लड़की आपको व्हाट्सएप कॉल करती है, व्हाट्सएप चैटिंग करती है, अश्लील वीडियो भेजती है या आपको निर्वस्त्र होने की बात करती है तो आप एकदम सावधान हो जाएं। आप उससे बात नहीं करें, उसका नंबर ब्लॉक कर दें।
यदि आप नहीं करते, सिर्फ आंखें हरी भरी करने के लिए आप असली वीडियो देखना चाहते हैं, असली चैटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप फंसने जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार होने जा रहे हैं। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े प्रोफेसर और हाई प्रोफाइल लोग इस जाल में फंस चुके हैं, आपको इससे बचना होगा। आप तभी बच सकते हैं कि तब आप थोड़े से क्षणिक से सुख के लिए इन चीजों से परहेज करें, सावधान रहें, सचेत रहें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन लोगों की करतूत का पता है, वह अपने फोटो नहीं भेजते। इसके बाद वो जो जाल में फंसाने वाला खेल है इन ग्रहों का, वो स्वयं आपसे दूर हट जाएंगे। आप ऐसा मौका आने ही ना दें। जब भी कोई लड़की आपसे असली वीडियो भेजती है या असली चैट करती है, तभी आप सावधान हो जाएं, उसके नंबर को डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें दोस्तों, तभी आप बच सकते हैं, वरना आप जाल में फंसने जा रहे हैं। यह हनी ट्रैप का ऐसा जाल है जिससे आप नहीं निकल सकते। आपका परिवार तबाह हो सकता है, आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है, आपका बना बनाया प्रोफाइल बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो दोस्तों हो जाइए सावधान और देखते रहिए जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।